और गाइस आप देख सकते हैं ये है खगोड़ा देवी का मंदिर जो कि बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जय माँ ककोड़ा देवी दरबार मिनी कुंभ मेला ककोड़ा। आई होप एकदम मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइस मैं आया हूँ आज ककोड़ा देवी के मंदिर में जो कि कादर चौक बदायूं में पड़ता है। और यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और इस मंदिर की अगर बात की जाए तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। और यहाँ पर इतने सारे घंटे लटके हुए हैं शायद, और कैम सीसीटीवी कैमरा मतलब सभी सुविधाएं हैं। मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताऊंगा और मंदिर दिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। तो गाइस चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, और ये सुरेंद्र भाई है। और तो चलिए गाइस मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। और गाइस आप देख सकते हैं ये है ककोड़ा देवी का मंदिर जो कि बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये सड़क उजानी की तरफ गई हुई है, और आप ये मंदिर देख सकते हैं। और ये सड़क कादर चौक की तरफ गई हुई है। और मैं चलता हूँ अंदर की ओर, और मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये जय माँ ककोड़ा देवी दरबार मिनी कुंभ मेला, आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो मैं चल रहा हूँ अंदर की ओर मंदिर के अंदर। और गाइस आप देख सकते हैं कुछ अंदर का व्यू जो कि कितना सुंदर नज़ारा है। और मैं चल रहा हूँ अंदर। ये उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस मंदिर है क्योंकि इस मंदिर पर सबसे ज़्यादा घंटे लटके हुए हैं। और आप देख सकते हैं मैं पहले आया था इस मंदिर को घूमने देखने के लिए, तो इस मंदिर पर बहुत ही सारे घंटे लटके हुए थे। और आप देख सकते हैं अभी तो इस मंदिर पर आधे भी घंटे नहीं हैं, मतलब 100% में से इस पर 20% भी घंटे नहीं हैं। और आप देख सकते हैं, और ये सुरेंद्र भाई है मेरे, और आप देख सकते हैं ये है मंदिर के पीछे का दृश्य। और यहाँ पर ये हनुमान बाबा खड़े हुए हैं जय बजरंगबली की। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह मैया जी मैया की मूर्ति बनी हुई है इधर, और आप देख सकते हैं। और ये सुरेंद्र भाई हैं जो कि देख रहे हैं अंदर, और मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं गाइस अंदर, और इधर देख सकते हैं गाइस। और गाइस मैं चलता हूँ बाहर की ओर, मैं पीछे मंदिर की तरफ दिखाऊंगा। और घंटा देख सकते हैं आप कितना घंटा लटके हुए हैं यहाँ पर। और गाइस अब यहाँ पर तो इस समय मतलब आधे भी घंटे नहीं हैं, पहले यहाँ पर बहुत सारे घंटे लटके हुए थे जो कि मैं बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये मंदिर के पीछे का दृश्य, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर काली मैया की मूर्ति स्थित है जो कि आप देख रहे हैं काली मैया की मूर्ति यहाँ पर। तो आप गाइस देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि कादर चौक बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शनिदेव की मूर्ति स्थित है यहाँ पर, और ये सुरेंद्र भाई है यहाँ पर। और मैं चलता हूँ आगे की ओर, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पर आप जी ये मान लो तुम घंटे हैं ही नहीं एक तरह से, क्योंकि मैं पहले आया था तो यहाँ पर बहुत सारे घंटे लटके हुए थे। और ये शंकर भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ डॉग खड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। और ये दान पत्र है जो कि आप देख रहे हैं दान पत्र। और गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही भारी भारी घंटे लटके हुए हैं यहाँ पर, मैं पहले आया था तो बहुत सारे घंटे थे। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा मंदिर का व्यू, और गाइस मैं चलता हूँ बाहर की ओर, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। और इधर कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, कृष्ण जी और राधा की, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है जो कि आप देख सकते हैं। और मैं चल रहा हूँ बाहर की ओर, और मैं जा रहा हूँ ये मेन गेट है वो, सॉरी ये पीछे यहाँ से आने का गेट है। और इधर भी ये सब मंदिर की ही जगह है, ये है जितनी सारी ये सब मंदिर की, अभी काम चल रहा है रंग पेंट का यहाँ पर। और यहाँ पर ये शनिदेव हैं जो कि आप देख सकते हैं शनिदेव की मूर्ति रखी हुई है। और मैं जा रहा हूँ पीछे की तरफ, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं
ये सुरेंद्र सिद्धू और सिद्धू सिंघानिया कुत्ते को कुछ खिला रहे हैं, मतलब प्रसाद खिला रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ पीछे का व्यू दिखाने के लिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबा कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, और ये मंदिर का व्यू है, आप देख सकते हैं गाइस, अभी निर्माण की अवस्था में है ये मंदिर। और आप घंटा देख सकते हैं कितना भारी घंटा लटका हुआ है ये, जो कि कितना भारी घंटा है। और आप देख सकते हैं